ये वीडियो स्पेशली मेरे पर्सनल लाइफ स्टोरी पे होने जा रही है, जो कि एक लड़का जहाँ पे 1,000 रुपए 10,000 रुपए कमाना उसके लिए स्ट्रगल था, जहाँ पे सभी ने उसको बोल दिया था कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बन सकते, कैसे खाओगे, कैसे रहोगे, कैसे अपने मम्मी पापा की हेल्प करोगे, मतलब एक तरीके से मैं दाने दाने का मोहताज था, आई हैड नथिंग। और इवन माई फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव सारे के सारे ने मुझे बोल दिया था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। सो मैं उस लाइफ के फेलियर पॉइंट से आता हूँ, बट आज एक ऐसा पोजीशन आई होल्ड की जहाँ पे मैं 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के बनाता हूँ अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू। और ये सब चीजें कैसे हो पाया और आप कैसे कर सकते हो, वो चीजें मैं अपनी जर्नी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे इस चीज को कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको समझ में आएगी। और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मैं इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, बहुत ज्यादा आइडियाज लेकर आता हूँ कि किस तरीके से मैं अपने व्यूअर्स को, अपने लिसनर्स को वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरीके से रही है कि मैं पहले जब 12th पास किया, उसके बाद फिर 12th पास करने के बाद एज यू नो द मिडिल क्लास फैमिली, हमारे क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए फोर्स किया जाता है। तो उस टाइम पे मेरे फैमिली में हम 3 लोग थे जो उस टाइम पे बाहर निकल के कुछ करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी। सो वन ऑफ माय कुछ लोग जो दो हमारे ब्रदर्स थे, वो अलग अलग अपने फील्ड में कुछ स्टडी करने, कुछ स्किल बेस्ड काम करने के लिए वो चले गए। बट आई वॉज द वन दैट आई डोंट वॉन्टेड टू गो इन टू एनी काइंड ऑफ दिस थिंग, बिकॉज मेरा उस टाइम पे क्लियर नहीं था। बट सम हाउ फैमिली प्रेशर और सब कुछ वजह से मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करने चला गया इलाहाबाद। बट आपको पता है जैसे कि इफ यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू डू इन योर लाइफ, आपको कोई नहीं करा सकता, राइट? तो सेम थिंग मैंने 2 साल स्पेंड करने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज द हाई टाइम फैमिली को बता के ये चीजें छोड़ना है। सो छोड़ने के बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया। ऑब्वियस बात है ये इतना इजी नहीं रहा घर वालों को मनाना, बट मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया। डिजिटल मार्केटिंग के बाद मैंने जॉब किया। इंटर्नशिप में मैंने लर्न किया कि कैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती है, कैसे क्लाइंट मैनेज किया जाता है और किस तरीके से क्लाइंट को सारी चीजें किया जाता है। सो अभी आई थिंक जो आपकी स्टेज इस टाइम पे होगी, आप कहीं ना कहीं आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप आसपास की चीज़ों को लर्न करो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि यही चीज़ मैंने उस टाइम पे किया। और कुछ ऐसा करो कि साइड बाई भी आप करते रहो। सो क्योंकि मैंने खुद किया, मैं जब कंपनी में वर्क कर रहा था बाई साइड आई वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन माई पर्सनल ब्रांड। मैं कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा था लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह मैं ट्राई कर रहा था। सो आप कुछ ना कुछ आप भी कर सकते हो कि आप कॉन्टेंट क्रिएशन कर सकते हो, आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। कुछ ना कुछ अगर आप कर सकते हो तो आप बाय साइड कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि क्लाइंट कैसे लेकर आ सकते हो, वो अगर कहीं ना कहीं से आप कुछ करते रहते हो, हाथ पैर मारते रहते हो, तो वो चीज आप कर सकते हो, तो आप जरूर करो, क्योंकि वही चीज है जो आपको हेल्प करेगा जॉब छोड़ने में। सो आफ्टर 2 ईयर्स बाय साइड आई ऑल्सो वॉज डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क। जब मुझे लगा कि नहीं, मैं अब खुद के पैर पे हो गया हूँ और आई हैड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग और मेरे खुद के पर्सनल क्लाइंट्स हो गए थे एज अ फ्रीलांसर, तो मैंने जॉब छोड़ के मैंने खुद की चीजों को स्टार्ट किया। सो दैट वॉज अ बिग इनटेक दैट आई हैड टेकन फ्रॉम माई साइड। वो रिस्क लेने का वजह भी ये था कि आई हैड सम गुड क्लाइंट्स, आई हैड दैट गट फीलिंग दैट यस फ्रॉम देयर आई कैन कंटिन्यू विथ माई जर्नी, बिकॉज आई हैव गॉन अ लॉट और मैंने अपने आप पे खुद बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था। सो उसी तरीके से मैंने अपनी स्किल्स पे काम करता रहा, क्लाइंट्स को प्रॉफिट देता रहा, उनको रिजल्ट देता रहा और अपनी ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करता रहा, अपने नॉलेज पे काम करता रहा। और जैसा कि आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर आया था, अब इसमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं उसको छोड़ के आया था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, राइट? एंड डिजिटल मार्केटिंग मेरी एक खुद की चूज की हुई प्रोफेशन था जो मैं घर वालों से बोल के आया था। सो मैंने वर्क किया और आप पूछोगे कि मैं क्लाइंट कहां से लेकर आता था। सो माय पर्सनल ब्रांड helped me a lot to get clients. Yes, मुझे outbound leads आते थे monthly. हर month में 2-3 मुझे outbound leads आते रहे। मैंने उनको performance दी, वो मुझे और references दिए और मेरी personal branding especially मुझे work की जो मेरी content के through मुझे देखते थे और वो वहाँ से मुझे clients आते थे। So आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। आप अपने content creation journey को improve करो, अपने से personal brand build करो, audience build करो और वहाँ से आपको हो सकता है initial clients मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला तो आपको भी मिलेगा। हर मंथ में 2-3 मुझे आउटबाउंड
लीड्स आते रहे। सिर्फ पर्सनल ब्रांड या कंटेंट क्रिएशन ही एक जरिया है क्लाइंट्स लाने का। देयर आर लॉट ऑफ वेज दैट पीपल आर डूइंग इन द मार्केट टू गेट क्लाइंट्स। यू ऑल्सो कैन फोकस ऑन अदर पार्ट्स, बट मेरा सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यही था कि मैं अपने पर्सनल ब्रांड पे फोकस करके क्लाइंट्स लेकर आ सकता हूँ। सो मैंने ये किया, मुझे क्लाइंट्स मिले और मैंने वर्क किया, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। आप भी ये चीजें कर सकते हो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। सो ये छोटा सा अपने मैंने अपनी स्टोरी को नटशेल में बताया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर आप लिख सकते हो कि मैं उस पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।